बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या चल रहा है आप सबका? उम्मीद करता हूँ हैं कि आप देख रहे हैं ब्लॉग में आपके दोस्तों। जनाब आज ब्लॉग इस ब्लॉग के साथ शुरू करते हैं कि आप यहाँ होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। जनाब अभी काम मुकम्मल किया, दूध निकाला है। दूध निकालने के बाद अभी दूध वगैरह घर छोड़ के आ रहे हैं और अभी इसके बाद करेंगे जनाब जो थोड़ा बहुत काम रह गया वो मुकम्मल करेंगे गर्मी से पहले पहले। वो भी चलते हैं, पहले चाय पी के आते हैं। और जनाब आज है 4 जुलाई, 4 जुलाई ओएस अली के बर्थडे का दिन होता है, तो आज ओएस अली की बर्थडे है, तो ओएस अली को इंशाल्लाह विश करेंगे, सरप्राइज़ गिफ्ट भी देंगे। बारिश बनी हुई है, आप पीछे मेरे देख सकते हैं, मौसम बहुत प्यारा है आज। तो जनाब अभी मैं डेरे पे हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है यार, बाहर जाते हुए बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैं अभी ओएस अली के गिफ्ट के लिए नहीं जा रहा। तो ओएस अली का गिफ्ट लेके आएंगे शाम को इंशाल्लाह, जब दूध वगैरह निकाल चुकेंगे ना भैंसों का, क्योंकि उस वक्त मौसम बड़ा प्यारा हो जाता है, तो काम भी और कोई होता नहीं है शाम को इतना। है जनाब हैप्पी बर्थडे वाला जवान बाबा आ गया। हमें क्या पार्टी दे रहे हो, क्या पार्टी दे रहे हो? पास आओ, पास 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 आओ, बर्गर और पिज़्ज़ा खिला रहे हो। तो आपको क्या गिफ्ट चाहिए? वैसे गिफ्ट पूछते तो नहीं है लेकिन हम आपसे पूछ लेते हैं, क्या चाहिए आपको? क्या ड्रोन चाहिए? ड्रोन तो मुझे चाहिए यार, मैं व्लॉग वगैरह बनाता हूँ उसके लिए मुझे चाहिए। चलें आपको सरप्राइज गिफ्ट देते, ठीक है? शाम को आप वेट करना हमारा, ठीक है? तो अभी जा रही हूँ मैं जनाब ओएस अली का केक उठाने जा रहा हूँ और देखते हैं ओएस अली का क्या लेके आते हैं, चेक करते हैं। चिट्टे सैंडल चिट्टी शर्ट नु तू छोड़, ओएस अली तैयार हो गया जी बर्थडे वास्ते। ऐसा इहदा केक, अदा तेरा केक लैके लिया, ठीक है? हूँ ओहदे जाके बह जा, तू किसे चला ना बर्थडे बॉय नहीं जाते नाल। वो जनाब अभी मैं और हैदर साहब इधर आए हैं एक सिस्टम करने के, हमें भाई ने बोला कि चेक करके आना उधर जो पट्ठे हमने उगाए हुए हैं, तो हम पट्ठे देखने आए हैं। इधर हमने उगाए थे ज्वार, ठीक है? वो आपको आपने ब्लॉग पिछले ब्लॉगों में देखा होगा कि हम रात को 12-12 बजे आके इधर पानी लगाते हैं, ये बात है। तो अभी ये देखें, ये हालत है इस ज्वार की हमारी की, ठीक है? और जो हमारे उधर पास हुए हुए हैं आपने देखी है कितनी कितनी बड़ी हो गई हैं, वो हम काट भी रहे हैं, ठीक है? और इधर की ज्वार जो है ये हालत है, हमारी नहीं तकरीबन सब की यही हालत है, ठीक है? सब की नहीं हुई ज्वार, ये एक ज़मीन में हुई है, इन्होंने पानी लगवाया, दो तीन टैंकियाँ इन्होंने दूसरा जो पानी होता है वो लगाया, क्योंकि इनके और कई पट्ठे नहीं हैं इसलिए इन्होंने इधर लगाए हैं मजबूरी में। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उधर आए थे, हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये देख लें, ये जट कई हौसला है जो 12-12 बजे जट मतलब कि आता है ज़मीनों में काम शाम करता है, रात को भी दिन को भी, कभी बारिश जो है फसलें ख़राब हो जाती हैं बारिश की वजह से, गंदम ख़राब हो जाती है, कभी ये देख लें इधर पट्ठों को बारिश की ज़रूरत थी और इधर बारिश हुई नहीं है। पानी जो मेन बात, जो मेन मसला हुआ वो ये हुआ है कि इधर साथ वो नहर है, ठीक है? पानी पीछे से उन्होंने बंद कर दिया है, अल्लाह जाने ख़त्म हो गया या क्या हुआ है नहीं मालूम किसी को, लेकिन उन्होंने पानी पीछे से बंद कर दिया और पानी जब तक नहीं आएगा पट्ठों का ये हालत हो गई। ये देख लें कितने गरीबों के मतलब के उधर ख़राब हुए हैं, सब के ख़राब हो गए हैं। तो बस यही है कि यार हुकूमत को कुछ करना चाहिए किसानों के लिए, क्योंकि अगर किसान अगर हिम्मत आ जाए तो ये देख लें कि हम इधर से हिम्मत आ जाए तो बस ख़त्म, लेकिन अल्लाह ने किसान को इतना वो कहते हैं कि जिगरा दिया हुआ, किसान हिम्मत नहीं हारता, रब जिसमें भी रखे हम राज़ी हैं। तो जनाब अभी चलते हैं और मैं और हैदर आए हुए हैं इधर, तो अभी चलते हैं वापस उधर से लेते हैं केक ओएस अली का और चल के काटते हैं और यमी यमी केक खाते हैं, क्योंकि रात को चली जाती है लाइट भी, और अगर लाइट ना भी जाए तो लाइट जला भी नहीं सकते, क्यों नहीं जला सकते? कीड़े मकूड़े आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं पंजाबी में खमाले, वो आ जाते हैं, इसलिए दिन ब दिन लोई लोई हम वो सिस्टम करेंगे। तो आपने रहना है नाल नाल, आपने इंजॉय करना, ओके? तो अभी आ चुके हैं जनाब इधर रॉयल बेकर पे, इधर से केक लेते हैं। ये इधर के ओनर नहीं है, ये शेख हैं इधर के शेख। अभी हमारा केक ये नहीं दे रहे, हमारे शेख साहब इधर नहीं है, शेख अदनान साहब, वरना हमें उन्होंने पहले हल VIP कॉम्प्रोमाइज देना था। वो क्या होता है VIP कॉम्प्रोमाइज? अभी ये ओनर साहब बैठे हैं, जनाब सारा केक दो, आदन आई को नहीं। जनाब अभी मैं हैदर और इलियास करने लगे हैं ओएस अली के गिफ्ट पैक, आपको दिखाते हैं, क्योंकि जब ओएस अली ने कर चुके हैं ना वो गिफ्ट ओपन कर चुके हैं ना, तो उसने देखना कोई नहीं है क्या है तो क्या नहीं, उसे फाड़ देने हैं।
फिर आपको हम कैसे दिखाएंगे, इसलिए आपको पहले ही हम बता देते हैं। ओ बाहर लैगा वो अंदर गर्मी बाहर आना जरा इधर वाली डेरे पर लिया, वो डेरे पर पैक करने हैं। अंदर बहुत गर्मी है, हम इसलिए चुपके कर रहे थे कि वैसा ही ना आ जाए, बहर वैसा ही घर है तो हम चुपके अब डेरे के ऊपर करेंगे। तो अभी हम पैक करते हैं। हम लेके आए हैं कुल्फा, फैंटा, ये जूसी लेके आए हैं दो, और ये लेके आए हैं, ये लेके आए हैं, कोकोमर लेके आए हैं, क्योंकि उसने गाड़ियाँ जो है ना उसने तोड़ देनी है, और उसका जो है ड्रोन वो कह रहा था वो तो घर वाले ले आए हैं, ठीक है, तो इसलिए हम उसके लिए चीज़ें ले आए हैं ताकि वो खा लेगा जी, मज़ा भी आ जाएगा। तो जनाब ये गिफ्ट वैसाली के लिए पैक हो गए हैं, अभी हम जाके उसको देंगे, फिर उसके से केक खाएंगे। गिफ्ट लेके आए थे हम ज़्यादा कोई 5-6 लेके आए थे, लेकिन पैक जो है वो 3 ही हुए हैं, क्योंकि हमारे पास शीट कम पड़ गई थी, इधर से हमें शीट लभी नहीं है, जो हम शीट लेके आए थे वो ख़त्म हो गई थी। है जनाब जिसकी आज है बर्थडे, चौधरी वैस मुँह बंद रखना तेरे दान नजर आने, ये इसने अपने बलून वगैरह लगाए हुए हैं सारे, ठीक है। अभी इसका आ रहा है केक, तो फिर काटेंगे जब आपको दिखाएंगे, इसको शर्म आ रही है अभी लाग में आते हुए। और ये है जनाब वैसली का केक, और ये है वैसली, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये लेके आए हैं हम अगरबत्तियां, सॉरी बत्तियां क्या, वो मक्खियां वैसे पका ला, एक तो हमारे इधर पंजाब में मक्खियां ने बड़ा तपाया हुआ है, एक वैस ने तपाया हुआ है। ओए 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 अज सोनिया दी बर्थडे, ओए 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 होवे हैप्पी तेरी बर्थडे, ओए ओए ओए। अभी वैस अली के मुंह पे थोड़ा सा लगाएंगे बस, के पता चल जाए इसकी बर्थडे है, ज्यादा ना बास लगा। इधर देखो वैस अली, पहले मोहम्मद खान की बर्थडे का भाई को ओए तालियां, क्लैपिंग करो। अभी ठीक हो गया, अभी दिया जी इलियास अली ने, इलियास इसका बड़ा भाई है, इसने दे दिया, ये भी हो गया, चलो बैठ जाओ। हैदर अली की, हैदर अली आप दो गिफ्ट, चलो ये है दूंगा इसमें, आपको पता है क्या है, आपको दिखाया था, तो ये वैस अली आपके स्पेशल गिफ्ट है वैस अली के लिए। वैस अली आपने खोलना है, ये पहले खोलो, इधर आके खोलो, बास अली इसका बड़ा भाई इसको दे रहा है, और इसका है ये क्या जो सुबह बोल रहा था मैं लेना ड्रोन हेलीकॉप्टर, आराम से इसको खोलो। वाओ, अभी हम ट्राई करेंगे इसको उड़ा के, इसको चेक करते हैं इसका क्या सीन है। वैस अली अभी जहाज से फारिग होके ये वाले गिफ्ट खोल रहा, कहता है कि वो मेरे दूसरे गिफ्ट की थे। वैस अली मजा आया बर्थडे का, अभी खुश हो, सही गिफ्ट सारे हो गए, मजा आ गया। चलो जी हैप्पी बर्थडे टू यू एक बार फिर, तो तमाम दोस्तों से अभी जाए चाहते हैं, वैसे ही चलो खड़े हो, तो तमाम दोस्तों को भी आपने अल्लाह हाफिज़ बोलना है। चलो आपने अपने जैसे मैं सबको बोलता हूँ, आपने कहना है कि जनाब व्लॉग को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, और अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चलो आपने अभी इजाज़त जानी, चलें ऊँचा थोड़ा, अल्लाह हाफिज़। वो पीछे आते खड़ा हुआ ऐसा।